हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास सिक्स मैथ्स व्हिच इज़ होल नंबर्स और इसकी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं टू पॉइंट वन होल नंबर सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बिकॉज फ़र्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है सक्सेसर प्रोसेसर्स एंड नंबर सिस्टम में जो आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं जो आप पहले भी कर चुके हैं चीज़ें वही रहेगी बट स्केल थोड़ा सा आप हो जाएगा नंबर्स जो हैं वो थोड़े से बड़े होंगे बस नथिंग न्यू होल नंबर्स क्या होते हैं आपको दो नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए चैप्टर क्योंकि होल नंबर नाम है इसका सबसे पहले है आपके नेचुरल नंबर्स नंबर सिस्टम में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हंड्रेड थाउजेंड करोरस जहाँ तक भी नंबर्स जा सकते हैं अप टू इन्फिनिटी क्योंकि नंबर्स आप जानते हैं कभी ख़त्म नहीं होते आप एक नंबर बताएंगे प्लस वन करके हमेशा उसके नेक्स्ट कोई नंबर जरूर होगा तो वन टू थ्री फोर अप टू इन्फिनिटी जो नंबर्स हैं इनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है होल नंबर्स का होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके जीरो से मतलब कि नेचुरल नंबर में बस से बस एक ही नंबर एक्स्ट्रा होल नंबर में होता है दैट इज जीरो सो अप टू ये जो नंबर्स हैं इनको हम लोग होल नंबर्स कहते हैं बस ओके तो ये चैप्टर का नाम है होल नंबर आपको पता लग गया क्या होते हैं चलिए अब डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज टू पॉइंट वन एक्साइज टू पॉइंट वन फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स फ्टर टेन थाउजेंड नाइन नाइन हंड्रेड एंड नाइन टेन थाउजेंड नाइन 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 के बाद नेक्स्ट थ्री नंबर्स कौन से होंगे तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा आपका इलेवन थाउजेंड आप प्लस वन कर देंगे उसके नेक्स्ट नंबर होगा जीरो थाउजेंड एंड टू ओके तो ये नेक्स्ट थ्री नंबर्स हो जाएंगे राइट थ्री होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर टेन थाउजेंड एंड वन टेन थाउजेंड वन से जस्ट पहले कौन कौन से नंबर्स आएंगे तो सबसे पहले इससे माइनस वन करेंगे एक्सप्लेनेशन में बता ही देती हूँ टेन थाउजेंड एंड वन क्वेश्चन नंबर टू से जस्ट नेक्स्ट जो नंबर होगा उसके लिए आप माइनस वन करेंगे आंसर होगा आपका टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड से पहले जो नंबर होगा टेन थाउजेंड माइनस वन दैट मीन्स नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन और इसके नेक्स्ट जो नंबर होगा इसमें आप फिर से माइनस वन करेंगे नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी एट तो नेक्स्ट थ्री नंबर प्रीवियस लास्ट थ्री नंबर्स आर टेन थाउजेंड नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन एंड नाइन 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 एट ये इसके जस्ट बिफोर थ्री नंबर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है होल नंबर जैसा कि मैंने कहा जीरो से स्टार्ट होते हैं तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो इसका आंसर होगा जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन थर्टी टू एंड फिफ्टी थ्री देखिए बिटवीन उसने पूछा है मतलब आपको बीच के नंबर्स निकालने हैं कितने होंगे थर्टी टू को एक्सक्लूड करना है हटा देना है इसके लिए आप क्या करेंगे फिफ्टी थ्री से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए थर्टी टू को फिफ्टी थ्री माइनस थर्टी टू नंबर्स कितने होंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन होगा लेकिन आपको फिफ्टी थ्री को भी एक्सक्लूड करना है क्योंकि बिटवीन पूछा है तो मतलब आप थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव आप टू फिफ्टी टू तक ही नंबर लेंगे फिफ्टी थ्री को हम नहीं ले रहे हैं तो जो आपका माइनस करके आंसर आएगा उसमें से माइनस वन और करना है आपको आंसर होगा आपका ट्वेंटी ओके okay? तो टोटल कितने नंबर्स हैं थर्टी टू एंड फिफ्टी थ्री के बीच में ट्वेंटी कभी भी आपसे दो नंबर्स के बीच के नंबर पूछे सपोज़ करिए वो कहता है हाउ मे और ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है क्योंकि आप इसमें हमेशा गलती करते हैं आपसे अगर वो पूछता है हाउ मनी नंबर्स आर बिटवीन वन फोर्टी टू एंड वन सिक्सटी थ्री इनके बीच के नंबर बताइए तो आपको क्या करना है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए वन सिक्सटी थ्री माइनस वन फोर्टी टू आंसर विल बी वन ट्वेंटी वन और ये तो बाई चांस ट्वेंटी वन ही हो गया सपोज करिए यहाँ पे वन ट्वेंटी टू होता तो आंसर कितना होता है आपका फोर्टी वन और जो आंसर है उससे माइनस वन और कर दीजिए जो भी आंसर आए सब ट्रैक्ट करके उसके उससे आपको एक नंबर और कम कर देना है क्योंकि हम सिक्सटी थ्री को भी एक्सक्लूड करके चल रहे हैं ओके okay? डायरेक्ट सिर्फ माइनस करके ही आंसर नहीं देना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट दी सक्सेसर ऑफ आपको सक्सेसर लिखने हैं सक्सेसर होता है नेक्स्ट नंबर यानी कि जो भी नंबर का आपको सक्सेसर लिखना है यू जस्ट हैव टू ऐड वन आपको प्लस वन करना पड़ेगा प्रोडेसेसर होता है प्रीवियस यानी कि पिछला नंबर उसके लिए आपको माइनस करना पड़ेगा ओके okay? तो चलिए इनके सक्सेसर्स निकालते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में जो आपको दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट है आपका ए फिफ्थ ए टू फोर फोर ज़ीरो सेवन जीरो वन सक्सेसर निकालना है तो यू विल आर्ड वन तो आंसर हो जाएगा टू फोर फोर जीरो सेवन जीरो टू ये सक्सेसर है इसका नेक्स्ट वन ज़ीरो जीरो वन नाइन नाइन प्लस वन करेंगे सक्सेसर के लिए ये हो जाएगा वन ज़ीरो जीरो टू डबल ज़ीरो नेक्स्ट इज वन जीरो नाइन 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 हाउ मेनी नाइन्स आर देयर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सो वन टू थ्री फोर फाइव ऐड करेंगे जब इसमें प्लस वन सक्सेसर के लिए सो so, आंसर होगा जीरो ज़ीरो 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 वन एंड वन दैट मीन्स द आंसर विल बी इलेवन लैक्स डी पार्ट है इसका टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जीरो प्लस वन आप करेंगे सो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड वन ओके सो so, ये फिफ्थ क्वेश्चन के ए बी सी एंड डी पार्ट है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स प्रोड्यसेस आपको फाइंड करने हैं फॉर प्रोड्यसर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट वन आपको वन माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर इज़ नाइन्टी फोर नाइन्टी फोर माइनस वन विल टू नाइन्टी थ्री तो नाइन्टी फोर का प्रोड्यूसिसर है नाइनटी थ्री वन थाउजेंड माइनस वन सॉरी टेन थाउजेंड माइनस वन नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन टू जीरो एट जीरो नाइन जीरो माइनस वन दैट विल बी इक्वल्स टू टू जीरो एट जीरो नाइन्टी माइनस वन हो जाएगा आपका एटी नाइन ओके नेक्स्ट इज सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इससे माइनस वन करेंगे सो सेवन फोर फाइव थ्री टू जीरो वन माइनस वन इज ज़ीरो तो ये इसके प्रोसेसर्स हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन नंबर लाइन देखिए ये होती है आपकी जीरो वन टू थ्री फोर लेफ़्ट में किसी नंबर का होना फाइव सिक्स सेवन लेफ्ट में किसी नंबर का होना मतलब स्मॉलर नंबर होना जब नंबर सपोज करिए थ्री जो है वो फाइव के लेफ्ट में है मतलब थ्री इज़ स्मॉलर देन फाइव नंबर लाइन पे नंबर जितना लेफ्ट में होता है उतना ही छोटा होता है और जितना राइट right में होता है उतना ही वो बड़ा होता है राइट right साइड में जैसे ही नंबर लाइन बढ़ती जाती है वैसे ही नंबर्स बड़े होते जाते हैं तो ये कह रहा है कि कौन सा नंबर लेफ्ट में होगा यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए हुए नंबर लाइन के और आपको ये साइन से भी दिखाना है ओके okay? फर्स्ट है जैसे फाइव थर्टी एंड फाइव हंड्रेड एंड थ्री इसमें हम जानते हैं फाइव हंड्रेड एंड थ्री स्मॉलर है सो फाइव हंड्रेड एंड थ्री विल बी ऑन लेफ्ट आप आंसर लिखेंगे फाइव जीरो थ्री विल बी ऑन लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट का ही पूछा है और जब आप साइन लगाएंगे तो फाइव हंड्रेड एंड थ्री क्योंकि स्मॉलर है तो फाइव थर्टी की तरफ ग्रेटर का साइन लगाएंगे हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो साइन होता है ये हमेशा उस तरफ ओपन होता है जिधर बड़ा नंबर होता है ये शायद आपको बताया भी गया होगा कि एक बर्ड का माउथ इसको मान लीजिए बर्ड का जो बीक होती है वो उसी तरफ खुलती है जिधर बड़ा इंसेक्ट हो तो जिधर बड़ा नंबर है ये उसी तरफ ओपन होता है क्योंकि फाइव हंड्रेड थर्टी बड़ा है तो आप इसको इधर ओपन करेंगे नेक्स्ट इज थ्री सेवेंटी एंड थ्री जीरो सेवन थ्री सेवेंटी बड़ा है ऑब्वियसली इधर ये होगा और आप लिखेंगे थ्री जीरो सेवन जो है वो लेफ्ट में होगा नेक्स्ट इज नाइन्टी एट थाउजेंड सेवन सिक्सटी फाइव फिफ्टी सिक्स थाउजेंड सेवन एटी नाइन तो नाइन्टी एट थाउजेंड ऑब्वियसली ग्रेटर है यहाँ पर और ये लेफ्ट में होगा नेक्स्ट इज 98,000 एट लाख थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टीन और इधर है आपका वन करोड़ तो वन करोड़ नाइन्टी एट लाख से बड़ा है तो ये जो है इस तरफ होगा एंड दिस नंबर विल बी ऑन लेफ्ट ऑफ नंबर लाइन ये जो है नंबर लाइन के लेफ्ट में होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू टू के लिए टी लिखना है फॉल्स के लिए एफ लिखना है जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ये बिल्कुल फॉल्स है मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि नेचुरल नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं तो अगर ये कह रहा है कि जीरो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है तो बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि नेचुरल जब तक होते हैं तब तक जीरो आता ही नहीं जीरो आपका होल में इंक्लूड होता है ना कि नेचुरल में जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर ये ट्रू है जीरो सबसे छोटा होल नंबर है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि नेचुरल में आते हैं आपके वन टू थ्री फोर और होल में आते हैं जीरो वन टू थ्री फोर होल में एक नंबर एक्स्ट्रा होता है लेकिन नेचुरल सारे होते हैं ये ट्रू स्टेटमेंट है कि ऑल जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके सारे जो है वो होल नंबर होते हैं नेक्स्ट इज जितने भी होल नंबर्स हैं सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं ये फॉल्स स्टेटमेंट है है एक ऐसा होल नंबर जो नेचुरल नहीं होता इज़ जो है ये होल तो है लेकिन नेचुरल नहीं है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है द ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर किसी टू डिजिट नंबर का प्रोड्यूसेसर कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं हो सकता ये स्टेटमेंट फॉल्स है मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ टेन टेन एक टू डिजिट नंबर है इसका जब आप प्रोडिससर करेंगे माइनस वन करेंगे तो नाइन आएगा नाइन एक सिंगल डिजिट नंबर है इसने कहा था नेवर कभी नहीं हो सकता तो टेन का होता है नेक्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर फॉल्स स्टेटमेंट है सबसे छोटा होल नंबर जीरो होता है क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रोडिससर ये ट्रू है अगर वन नेचुरल है तो सबसे छोटा वन ही है नेचुरल में वन से छोटा कोई नंबर नहीं होता तो फिर उसका कोई प्रोडिससर नहीं होगा लेकिन वन को अगर आप होल नंबर लेके चल रहे हैं तो वन का होल में वन माइनस वन जीरो जीरो होता है होल में इसका जो है वो प्रोडिससर हो सकता है आप इस कॉन्सेप्ट को आपको एग्जाम में समझना है वन अगर आप नेचुरल लेके चल रहे हैं तो फिर इसका कोई प्रोडिससर नहीं होता क्योंकि वन का प्रोडिससर वन के पहले आती है जीरो और जीरो नेचुरल में नहीं होता है ओके okay? तो वन एज अ नेचुरल नंबर हैज नो अगर नेचुरल आप लेके चल रहे हैं तो प्रोडिससर नहीं है ट्रू है लेकिन वन अगर होल है तो उसका प्रोडेसेसर नहीं है ये फॉल्स है वन अगर होल है तो फिर उसका प्रोडेसेसर होता है जीरो क्योंकि जीरो होल में आ जाता है द होल नंबर लाइज नंबर थर्टीन लाइज बिटवीन इलेवन एंड ट्वेल्व इलेवन और ट्वेल्व के बीच में थर्टीन आता है फॉल्स स्टेटमेंट है इलेवन और ट्वेल्व के बीच में कुछ नहीं आता ट्वेल्व के बाद थर्टीन आता है होल नंबर जीरो हैज नो प्रोडेसर जीरो का कोई प्रोडिससर नहीं होता ये ट्रू है क्योंकि सबसे छोटा होल जीरो ही होता है उसके पहले कुछ नहीं होता द सक्सेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर का सक्सेसर हमेशा टू डिजिट होगा ये फॉल्स है एक ऐसा नंबर है जो टू डिजिट का है लेकिन उसका सक्सेसर थ्री डिजिट डिजिटर वो कौन सा है नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन का सक्सेसर देखिए हंड्रेड होता है तो वो एक थ्री डिजिट नंबर हो जाता है तो टू डिजिट का सक्सेसर हमेशा टू डिजिट होगा ये टू नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर हंड्रेड इज प्रोड्यूसेसर ऑफ थ्री नाइन्टी नाइन थ्री नाइन्टी नाइन का प्रोड्यूसेसर फोर हंड्रेड है ये फॉल्स स्टेटमेंट है बल्कि 400 का प्रोडिससर 399 है ओके सिक्स हंड्रेड इज सक्सेसर ऑफ 599, 599 का सक्सेसर है 600, ये ट्रू स्टेटमेंट है ओके okay? तो ये आपकी एक्साइज खत्म होती है बहुत इजी ही है सब कुछ सक्सेसर प्रोडोसर्स नंबर्स बिटवीन ग्रेटर देन लेस देन ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं बस थोड़ा सा होल नेचुरल का यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दैट्स ऑल थैंक यू सो मच